नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतीय रेल में आए दिन कोई न कोई रेल दुर्घटनाएं होती रहती है। इसी बीच एक ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसे देखने और सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाली है। जी हाँ, दो बच्चों के साथ एक महिला रेल पटरी पार कर रही थी, लेकिन इसी बीच ट्रेन आ गई। उसके बाद जो हुआ वो देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, किस स्टेशन पर हुई, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल होता यूँ है कि बिहार के हाजीपुर सोनपुर रेल लाइन पर बाघ मूसा रेलवे ढाला के पास अपने दो बच्चों के साथ एक महिला ट्रैक पार कर रही थी, लेकिन महिला सहित दो बच्चियां भी ट्रेन के चपेट में आ जाती है और इस दौरान उस महिला के एक बच्चे की घटने स्थल पर ही मौत हो जाती है। महिला और उसकी एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला का हाथ और पैर कट गया, जबकि महिला के एक बच्चे की मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती करवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी तब लगी जब सोनपुर की तरफ से आ रही ट्रेन के एक चालक का नज़र महिला पर, ट्रेन चालक द्वारा इसकी सूचना डीआरपी पुलिस को जीआरपी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है और महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और महिला के पहचान करने के लिए पुलिस पूरी तरह से जुट चुकी है और अच्छे इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जीआरपी पुलिसकर्मी ने बताया कि इसकी सूचना मुझे मिली और मैं बासगुसा ढाला के पास गया, देखा कि घायल अवस्था में एक महिला पड़ी हुई है, जिसके बाद उस महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन एक बच्चे की उसी समय मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि हाजीपुर सोनपुर रेल लाइन पर एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, दो बच्चों संग रेल पटरी पार कर रही थी एक महिला, लेकिन संजोग बस एक बच्चे की मौत हो जाती है और बताया जा रहा है कि एक बच्चे भी गंभीर रूप से घायल है और महिला भी घायल है। आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि उस बच्ची और महिला की जान बच जाए। आप मुझे कमेंट कर ये बताइएगा कि आखिर इस घटना में किसकी गलती है। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।